दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 12 के दो कंटेस्टेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ये वो दो कंटेस्टेंट हैं जिन्हें लोगों ने पवनदीप राजन और अनिता कांजीलाल की तरह ही प्यार दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आइडल के बैक स्टेज से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि शो के मेकर्स ने शो के दो कंटेस्टेंट को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। शो के मेकर्स का कहना है कि ग्रैंड फिनाले में जाने से पहले शो के दो कंटेस्टेंट पर एलिमिनेशन की बिजली गिर सकती है और साथ ही साथ उनका कहना है कि हम जानते हैं कि इनके फैंस इस खबर को सुनने के बाद काफी दुखी हो जाएंगे। आपको बता दें कि मेकर्स का कहना है, लेकिन इसी बीच आपके लिए इन्हीं दो कंटेस्टेंट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिलने वाली है। कौन से हैं वो दो कंटेस्टेंट जो शो से बाहर होने वाले हैं और कौन सी है वो खुशखबरी, पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि कौन से वो दो कंटेस्टेंट हैं जिनके सर पर एलिमिनेशन की बिजली गिरने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इंडियन आइडल में पिछले कुछ हफ्तों से शो से किसी भी कंटेस्टेंट का एलिमिनेशन नहीं हुआ है। ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि शो के मेकर्स और शो के जजेस का कहना है कि हम चाहते हैं कि ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 नहीं बल्कि टॉप 6 जाएं, लेकिन ये अब तक पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। ऐसे में अगर किसी कंटेस्टेंट का शो से एलिमिनेशन होता है तो वो शनुप्रिया और निहाल टोरो में से एक होगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, निहाल टोरो और शनुप्रिया में से किसी एक कंटेस्टेंट पर एलिमिनेशन की बिजली गिर सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि निहाल टोरो पर शो से बाहर होने का ज्यादा खतरा बना हुआ है, इसीलिए अगर ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट जाते हैं तो उनका नाम है पवनदीप राजन, अनिता कांजीलाल, साइली कामले, मोहम्मद दानिश और शनुप्रिया। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमने एक पोस्ट भी डाला है जहां पर आप अपनी राय जरूर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं, सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल ट्रू बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें बेल आइकन को।